घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ। ये वही बयान है जिसके बाद बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने हाल ही में एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि एफआईआर शिमोगा शहर के कोटे पुलिस थाने में दर्ज की गई है। वहीं कर्नाटक पुलिस ने शिकायतकर्ता तहसीन पूनावाला को भी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि तहसीन पूनावाला ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित ईश निंदा वाले भाषण के संबंध में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पूनावाला ने सोशल मीडिया के जरिए शिमोगा के पुलिस अधीक्षक जी के मिथुन कुमार से शिकायत दर्ज कराई। वही इस मामले में कोटे पुलिस स्टेशन द्वारा पूनावाला को पूछताछ में शामिल होने के लिए ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया है। प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को शिवमोगा शहर में आयोजित हिंदू जागरण वैदिक वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया था और बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष के घर का दौरा किया था, जिसे हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मार डाला गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने समारोह में बोलते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बेहद अपमानजनक और अपमानजनक भाषण दिया। गौरतलब है कि उन्होंने लोगों से लव जिहाद का करार जवाब देने को कहा था।